SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान की सियासत में भूचाल पर भूचाल जो है वो देखने को मिलता है और इसी भूचाल के बीच में यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रही दरार को लेकर के भी कई सारी खबरें सामने आती रहती है और इन्हीं खबरों में एक और ताज़ा खबर जो है हमारे सामने आ चुकी है और इस ताज़ा खबर के रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर पायलट को लेकर के अब सहमे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर गहलोत और क्यों नजर आ रहे हैं वो हम इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों ही इशारों में एक बार फिर सचिन पायलट को निशाने पर ले लिया है। पायलट का नाम लिए बिना सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में सरकार गिराई लेकिन राजस्थान में मैंने दाल नहीं गलने दी। विधायक 34 दिन तक मेरे साथ होटल में रहे। विधायकों को पहली किस्त 10 करोड़ रुपये की देने की पेशकश की लेकिन विधायकों ने मेरा साथ दिया। किसी भी विधायक ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, CPM के हो या फिर अन्य किसी विधायक का ईमान नहीं डिगा। मंगलवार की सीएम गहलोत ने जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर दक्षिण द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्षी दलों को डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वर्ष 2020 में सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। पायलट समर्थित विधायक गुड़गांव के मानेसर में एक होटल में चले गए थे जिससे सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। हालांकि बाद में पायलट कैंप में सुलह हो गई थी। 12 जुलाई 2020 को पायलट कैंप ने सीधे बगावत का ऐलान करते हुए गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया था। सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार ने 12 जुलाई 2020 को रात 9:07 पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला। इस मैसेज में राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर के यहाँ अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर के अब कांप रहे हैं यहाँ पर गहलोत और इसीलिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से तमाम मुद्दे से जो है वो छुटकारा पा लिया जाए और यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो राजस्थान की सत्ता से बाहर का रास्ता देखे। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अशोक गहलोत की ये कोशिशें काम आएंगी या फिर सचिन पायलट अपनी एक अलग व्यवस्था लेकर के जाएंगे? यहाँ पर देखने वाली बात यही होगी। आप अपने तर्क जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।